नमस्कार, आकाशवाणी पोर्टलर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सांसद विष्णुपद रे ने पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद भवन निर्माण नियम में संशोधन करने की मांग की है। स्वास्थ्य सचिव जी थेवनिधि दास ने तंबाकू के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया है। द्वीप समूह में कल से मलेरिया रोधी माह मनाया जा रहा है। मध्य उत्तर अंडमान के बेटापुर आरा मिल से अगले महीने से चीरी हुई लकड़ियां मिलनी आरंभ हो जाएंगी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की ओर से एकल खिड़की प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। सांसद विष्णुपद रे ने पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद भवन निर्माण नियम में संशोधन करने की मांग की है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भवन निर्माण नियम जन उपयोगी नहीं है और इससे लोगों को भवन बनाते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों का सपना है कि वे अपने परिजनों और भावी पीढ़ी के लिए भवन निर्माण करें। बैंकों से ऋण लेकर भवन निर्माण करने के बाद आधे से अधिक कार्य पूरा हो जाने पर नगर पालिका परिषद की ओर से नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उनके भवन सील कर दिए जाते हैं, जिससे लोग परेशान हैं और आस लगाए बैठे हैं। इस बीच पोर्ट ब्लेयर शहर में लगभग दो महीने पहले कुछ चुनिंदा लोगों के भवन नियमों के उल्लंघन के मामले में सील कर दिए गए थे और तब से लेकर अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पोर्ट ब्लेयर शहर में आज भी नियमों का उल्लंघन करते हुए भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिन लोगों के भवन सील हुए हैं उनका आरोप है कि नगर पालिका परिषद भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है और कुछ चुनिंदा लोगों पर ही जानबूझकर कार्रवाई की गई है, जबकि एक बड़े तबके के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मार्च के आखिरी सप्ताह में नगर पालिका परिषद के पूर्व सचिव ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि छोटे भूखंडों के मामले में रियायत देने की गुंजाइश है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई न होने से प्रभावित भवन मालिकों के आर्थिक और मानसिक बोझ का असर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य सचिव जी थेवनिधि दास ने तंबाकू के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कोटगढ़ के जीबी पंत अस्पताल के व्याख्यान हॉल में कल तंबाकू निषेध दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन आज फैशन बन गया है, लेकिन जो इसका सेवन करते हैं उन्हें नहीं मालूम कि इससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में जितने भी कानून बनाए गए हैं उसमें तभी सफलता मिल सकती है जब लोग स्वेच्छा से इसे त्यागने लगेंगे। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर शिप्रा पॉल ने सभी से इन द्वीपों को तंबाकू मुक्त बनाने की अपील करते हुए कहा कि वे इस दिशा में अपना योगदान दें। परिवार कल्याण उपनिदेशक डॉक्टर आर के हल्दार ने बताया कि 1950 में भारत में तंबाकू का उत्पादन शुरू हुआ था और आज भारत विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाला देश बन गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन तंबाकू के सेवन से 2000 से अधिक लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। उपनिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अभिजीत रे ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से इसके दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त मेजर जनरल आर पी चौबी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उधर